खुद बताएंगे और बिल्डर पे इन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में भी ये खुद बताएंगे। लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इनका सम्मान किया जाए। तो ये वो लोग हैं जो एसोसिएट्स भी बने थे। एसोसिएट्स के बाद ये मुझे नहीं, इन्होंने काम करना जारी रखा और ये और लोगों तक पहुंचे। इन्होंने कुछ लोगों को दवाई के बारे में बताया, किसी को बिजनेस के बारे में बताया और किसी ने इनकी बात मानी और किसी ने नहीं मानी। जिन्होंने इनकी बात मानी वो इनके साथ में कुछ पैसे भी कमा रहे हैं और पुनः भी कमा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं मानी वो अपना आज भी घर पे शायद हो सकता है ताशी खेल रहे होंगे। तो इनकी उम्र भी आपको नजर आ रही है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने कितने समय से ही मोरिंग को कर रहे हैं और करते करते इनको यहाँ से क्या क्या मिला है। जी दीपांशु, मेरा नाम दीपांशु कुमार है, मोर जूनियर। तो इस कंपनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक दिन मेरे घर पर मेरे मामा जी आए, फिर शाम जी तो इन्होंने जो ना फाइटोसाइन है, ये फाइटोसाइन मेरे पापा जी को दिया। उन्हें घुटनों में जो ना बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी, उन्होंने जोर जोर की दवाई खाई लेकिन उन्हें आराम नहीं हुआ था। तो एक दिन पापा ने जो खाया ना तो मुझसे बताया कि मुझे आराम है, तो मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर मैंने मामा के घर गया, उन्होंने कहा इस कंपनी में तू भी लग सकता है। मैंने कहा वैसे आ रहे तो फेक कंपनी बहुत कंपनी है, कौन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने 7,000 रुपये ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने ज्वाइनिंग हुआ, फिर मैंने कहा और क्यों फिर मैं खुद यूज़ करूँ। खुद यूज़ करा, मेरे मुंह पे दाने थे बहुत जाते, मेरा पता फेस अगर मैं खड़े को देना सबसे सामने मेरा देखने को मन नहीं करता था। अगर पता मैं कि जाने भी चाहता था कि यार मैं जो पता दूर पता कर दे ये अपनी प्रॉब्लम दिल से बताएं, क्योंकि वास्तव में ये कोई बनावटी नहीं है कि इसको कोई स्क्रिप्ट दी गई है कि आपको ये बताना है। ये जो अपनी समस्या है उससे ये नेचुरल इनके साथ में घटित हुआ। तो नूरपुर का एक फेस का डॉक्टर है, जीवन क्लिनिक है नूरपुर में, ये कहा गया। तो मैंने उसे जो ना दवाई देखा 1500 रुपये, मैंने कहा अब तो आराम हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा भैया। मैं उसे रोज यूज कर रहा था, उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने कहा मामा जी तुम भी बताओ, तुम्हारा डिब्बा खा के देखा तो मैंने कहा भैया खाने के बाद जैसे मैंने खाया धीरे धीरे, जिस दिन मुझे खुलाया गया उस दिन एक फोटो खींचा गया मेरा, सबने एक लो चाय अरे दिखाओ दिखाओ भैया उस दिन मेरा कोई नहीं आया। उस दिन फोटो खींचने के बाद एक महीने बाद परसों सर ने मेरा फोटो मंगाया थी, बाद में मुझे अपना फोटो सेंड करो व्हाट्सएप पर अपना न्यू, इन्होंने मुझे मैंने इन्हें बहुत सेंड कर दिया। आपका फोटो और आपका फोटो मिलाओगे ना तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। अब थोड़े से दाने सूख गए और 3 महीने के अंदर अंदर ये बता रहे हैं कि अब तुझे पूरा आराम हो जाएगा, इतना भी बिलीव है मुझे। और इसी कंपनी में फिर मैंने जो ना अपने जो मेरे पड़ोसी हैं उन्हें जो ना सांस की प्रॉब्लम थी, वे आ तो नहीं पाए लेकिन उन्हें मैंने दिया। हफ्ते में उन्होंने अपने मुझसे मुंह से बताया कि मुझे जो ना खांसी आ रही थी, मलगम आ रहा था, वो नहीं आ रहा। और धीरे धीरे मैं और गाँव में कल भी दे के आया हूँ और आगे को भी दूंगा। और प्रॉफिट की बात बताऊँ तो मेरे जो ऑफर चल रहा था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे 400 रुपये एसोसिएट पे आए हैं और 3,000 रुपये मेरे बिल्डर पे आए हैं। कमाई थी पहली कमाई से मैंने अपनी मम्मा को सोल गिफ्ट दिया, मुझे समझते नहीं मैं कोई नहीं, लेकिन मैं बढ़ूंगा आगे किसी से रुकने वाला तो अगली।